असलम डे सो फॉब ऑफ यू विल बी फाइन डे स्टूडेंट्स आज हमारा सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर थ्री के एम सी के उसका तो चलते हैं जी आज के हम अपने सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तक हमारे ऑलरेडी हो गए थे टू वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर एटीन से ऑनवर्ड फिफ्टी फोर तक जाएंगे जी इंटेग्रल ऑफ सी कंट एक्स डी एक्स तो डेस्टो आप जानते हैं कि सी कैंट एक्स का क्या होता है जी इंटीग्रल सी कैंट एक्स प्लस टेन एक्स होता है ये एक मेथड है जी एक एग्जांपल का क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ इंटीग्रल ऑफ सी कैंट एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स है इंटीग्रल ऑफ सी कैंट एक्स खुद से आपने क्या करना है सी कैंट एक्स प्लस टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कराया है सी कैंट एक्स प्लस टेन एक्स के साथ डिवाइड भी कराया है तो सी कैंट एक्स को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा सी कैंट स्केयर एक्स प्लस सी एक्स इंटू टेन एक्स तो अगर आप बट्टे में देखें ना तो बट्टे में चीज़ क्या है एफ ऑफ एक्स लें सी कैंट एक्स सी एक्स का डेरीवेटिव क्या है सी कैंट एक्स प्लस इंटू टेन एक्स टेन एक्स का डेरीवेटिव क्या है सी कैंट स्केयर एक्स यानी कि बटे से नीचे एफ ऑफ एक्स पड़ा हुआ है बटे से ऊपर उसका क्या पड़ा है डेरीवेटिव पड़ा है हमारे पास तो अब हम क्या कर सकते हैं जिसको ये क्या बन जाएगा एल एन ऑफ़ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा सी कैंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा एल एन ऑफ़ सी कैंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑप्शन ए ट्वेंटी एट का ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं जी ट्वेंटी नाइन में क्या कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ही इज सेंग दैट इंटेग्रल ऑफ ए क्यूब डी एक्स तो आपने इसको सॉल्व करना है जी जीतहाई इंपॉर्टेंट है ए क्यूब को देखें ना तो ये तो एक कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा इंटीग्रल इंटेग्रफ एक्स ए क्यूब बाहर चला गया इंटीग्रल ऑफ का आ आ जाएगा A3 X प्लस आ जाएगा तो A3 X प्लस सम तो ए क्यूब एक्स प्लस जहां कहीं पर पड़ा है जी ए क्यूब सिर्फ पढ़ा एक्स नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ऑप्शन नन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी इंटेग्रल फ्राम माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू वट सॉल्व करते हैं जी डेफिन इंटेगरल है माइनस पाई टू पाई साइन एक्स का इंटेगरल क्या चीज़ आ जाएगी साइन का जो है इंटेग्रल हमारे पास होता है साइन का डेरिवेटिव काज ऑफ एक्स है और साइन का इंटेग्रल माइनस काज ऑफ एक्स हो गया लिमिट फ्राम माइनस पाई टू पाई हो जाएगा माइनस एज इट इज़ अपर लिमिट काज ऑफ़ पाई माइनस बाय फार्मूला और फिर ये माइनस खुद फंक्शन वाला आ गया माइनस ये वाला माइनस काज ऑफ माइनस एक्स हो गया तो ये क्या चीज़ हो जाएगी माइनस काज ऑफ़ पाई एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा काज ऑफ़ माइनस पाई काज ऑफ पाई होता है बिकॉज काज इज़ एन इवन फंक्शन तो माइनस काज ऑफ़ पाई और प्लस काज ऑफ़ पाई कैंसल आउट इज इक्वल टू ज़ीरो जीरो ऑप्शन ए इज़ करैक्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पर चलते हैं जी थर्टी वन में वो क्या कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ही इज सेइंग दैट के आपने सॉल्व आउट करना है जी इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स अगर आप इसको गौर से देखें तो बटे से नीचे एफ ऑफ एक्स अगर आप समझें टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा टू आएगा और थ्री का जीरो तो टू आना चाहिए टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव तो टू के साथ मल्टीप्लाई भी किया टू के साथ डिवाइड भी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा वन ओवर टू एज इट इज़ एलन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वन ओवर टू एल एन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑप्शन बी इज कुरेक्ट वन नेक्स्ट वी मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ही इज से क्या कह रहे हैं कि आप डेफिनेट इंटेगर है उसको सॉल्व करें जी डेफिनेट इंटेगरल है इंटेगरल फ्रॉम वन टू थ्री एक्स क्यूब डी एक्स तो आपने इसको सॉल्व आउट करना है डेस्टून एक्स क्यूब डी एक्स इतना ऐसा ही है जी पावर फार्मूला लग जाएगा सॉल्व किया हुआ है वन टू थ्री एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू पावर में एक ऐड हो जाएगा एक्स की पावर फोर ओवर पावर हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम वन टू थ्री वन ओवर फोर बाहर अपर लिमिट थ्री की पावर फोर माइनस वन की पावर फोर लोअर लिमिट वन ओवर फोर थ्री की पावर फोर एटी वन माइनस वन की पावर फोर वन ये हो जाएगा एटी ओवर फोर देट इज़ ट्वेंटी ऑप्शन ए

स्केयर रूट है डी एक्स फाइंड आउट करना ये हमारे पास एक फार्मूला है जी वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वन पहले भी पढ़ चुके हैं जी है? किस चीज़ का इंटीग्रल है सी कंड इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रल है जी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरीवेटिव क्योंकि वन ओवर एक्स इंटू एक्स केयर माइनस वन का स्केयर रूट होता है तो वन ओवर एक्स इंटू एक्स केयर माइनस वन का जो इंटेग्रल बनेगा वो बनेगा सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू वन तो अपर तो लिमिट पूर्व कर दी सीकेंड इनवर्स ऑफ वन माइनस लोअर लिमिट सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस वन हो गया सीकेंड इनवर्स ऑफ वन जीरो है जी माइनस फार्मूला है जी सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस वन जो है वो पाई होता है सो आंसर इज माइनस पाई ठीक है स्टूडेंट्स डेस्टोडेंट इसका करेक्ट जो है माइनस पाई ही थर्टी फोर का माइनस पाई आना है जवाब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए तो जो भी ऑप्शन माइनस पाई वाला होगा वो आपने सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर आ जाए ही सेइंग दैट टेन इनवर्स ऑफ वट वन माइनस काज ऑफ टू एक्स वन प्लस काज ऑफ टू एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है इसको हम सॉल्व करते हैं पहले एज हम जानते हैं फार्मूला काज टू एक्स इज इक्वल टू का स्केर एक्स माइनस साइंस स्केर एक्स काज टू एक्स अब हमने वैल्यू पुट करनी है जी वन माइनस काज टू एक्स और वन प्लस कास टू एक्स की तो काज ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू का एक्स की जगह पर मैंने पुट कर दिया वन माइनस साइंस एक्स और माइनस साइंस एक्स एज इट इज़ ये बन गया वन माइनस टू साइंस एक्स तो टू साइंस केयर एक्स लेफ्ट साइड पर जाएगा पॉजिटिव काज ऑफ टू एक्स राइट पर आएगा तो नेगेटिव ये बन जाएगा टू साइंस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस काज ऑफ टू एक्स इसी तरह अब हन प्लस काज ऑफ टू एक्स की वैल्यू देखते हैं जी जैसे हम जानते हैं काज ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू काज ऑफ टू एक्स इजल टू की जगह स्केर एक्स पुट कर दिया का एक्स माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस वन माइनस प्लस वन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन लेफ्ट तो प्लस का हो जाएगा वन प्लस आज ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू टू का स्केयर ऑफ एक्स तो वन माइनस काज टू एक्स की जगह पर टू साइन स्केयर एक्स वन प्लस काज टू एक्स की जगह पर टू का एक्स पुट कर दिया तो टू साइन स्केर एक्स ओवर टू का स्केयर एक्स टू के साथ टू कैंसल हो जाएगा दैट ऑफ साइन ओवर एक्स टेन स्केयर एक्स हो जाएगा टेन स्केयर एक्स का स्केयर रूट स्केयर और स्केयर रूट कैंसल तो ये टेन इनवर्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू एक्स टेन और टेन इनवर्स कैंसल हो जाएंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स रह जाएगा एक्स स्केयर बाय टू प्लस सम कांस्टेंट एक्स स्केयर बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट वन थर्टी का नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टी इन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ई दैट इंटेग्रल फ्राम जीरो टू वट पाई बाई फोर है जी सीकेंट एक्स टेन एक्स अगर आप सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इसकी चीज़ का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स का तो secant x एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स आ जाएगा लिमिट पुट कर दें फ्राम जीरो टू फाइव बाई फोर पहले अपर लिमिट पुट की है फिर लोअर लिमिट secant ऑफ़ पाई बाई फोर को अगर सीकेंट नहीं कन्फर्म होता तो वन ओवर काज ऑफ पाइव बाई फोर माइनस वन ओवर काज ऑफ जीरो लिख सकते हैं वन इक्वल टू वन ओवर काज ऑफ़ पाव बाय फोर पैंतालीस डिग्री वन ओवर स्केरू टू आता है माइनस वन ओवर वन तो ये क्या चीज़ आ जाएगी वन मल्टीप्लाई होगा स्केरू टू और वन माइनस वन सो आंसर इज स्केरू टू माइनस वन सो स्केो टू माइनस वन ऑप्शन बी इज करेक्ट वन थर्टी सेवन पर चलते हैं जी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू कॉज ऑफ एक्स डी एक्स इसको सॉल्व करते हैं जीरो टू पाई बाई टू काज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन होता है इंटेग्रल साइन होता है काज ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स आ गया फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर है लिमिट अपर लिमिट पुट की माइनस बाय फार्मूला लोअर लिमिट पुट की साइन ऑफ पाई बाई टू आप जानते हैं वन साइन ऑफ जीरो जीरो वन माइनस जीरो वन ऑप्शन बी इज करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पर चलते हैं द सोलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइ इज इक्वल टू माइनस वाई इज सॉल्व करते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है दोनों तरफ से इंटेग्रल ले लेते हैं जी पहले देखें ना ये आप इसको कंफर्म करके लिखेंगे ये डी एक्स उस जान जाएगा तो मल्टीप्लाई वाई इधर आएगा डी वाई के साथ तो डिवाइड हो जाएगा ये बन जाएगा वन ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स दोनों तरफ से इंटेग्रल ले लिया इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वाई डी वाई एल एन ऑफ वाई बन गया माइनस वन का माइनस एक्स आ गया प्लस सम कांस्टेंट लेना था तो मैंने उसको एल एन ऑफ़ सी प्लस एल एन ऑफ़ सी ले लिया है तो एल एन ऑफ़ वाई ये एल एन ऑफ़ सी लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा तो माइनस एल एन ऑफ़ सी बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा अगर दरमियान में माइनस ओवर एल एन अलग अलग हैं तो लाग की प्रॉपर्टी लग जाएगी लाग एक आ जाएगा और जिसके साथ माइनस टर्म के साथ वो डिवाइड हो जाएगी वाई ओवर सी इज़ इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा e की पावर ले लें e को बेस बनाने e की पावर एल एन वाई ओवर सी इज एकवल टू ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा e और एल एन कैंसिल हो जाएंगे ये बन जाएगा वाई ओवर सी जैसे जहाँ पर पड़ा हुआ था वाई ओवर सी इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा या वाई इज इक्वल टू सी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा c इन टू ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू सी इन टू ई की पावर माइनस एक्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ये एक फार्मूला है जिसमें पहले भी डिस्कस भी कर चुके हैं इसको अप्लाई की इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स के बटे में फंक्शन है बटे से ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो तो क्या आता है एल एन ऑफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन बी एल एन ऑफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चलते हैं जीरो टू पाई बाई फोर सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स सीकेंड स्केयर एक्स इस चीज़ का डेरीवेटिव है टेन एक्स का तो सीकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा टेन एक्स आ जाएगा तो टेन एक्स फ्राम जीरो टू पाई बाई फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट एन एफ फाइव बाई फोर टेन पैंतालीस वन होता है टेन ऑफ जीरो ज़ीरो होता है तो आंसर वन आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन नेक्स्ट वी मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ही इज सेइंग दैट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन साथ में पड़ा है जी एफ डैश ऑफ एक्स ये भी फार्मूला है डे सोन के अगर आपके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है उसकी कोई भी पावर है और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर फार्मूला लग जाएगा ये बन जाएगा एफ आफ एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सम कांसटेंट ये बन जाएगा एफ आफ एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सम कांसटेंट ऑप्शन बी बन रहा है जी विच इज़ करैक्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इंटेग्रल फ्राम पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स डेस्ट ये फार्मूला है जी आपका कि जो जहाँ से लिमिट शुरू हो रही है वहीं पर ख़त्म हो रही है यानी कि आपका इंटेग्रल चल ही नहीं रहा एरिया अंडर दिकार्व देना है तो एरिया जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ख़त्म हुआ तो एरिया होगा ही जीरो नथिंग ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन नेक्स्ट इज फोर्टी थ्री इंटेग्रल फ्राम माइनस पाई माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ़ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं माइनस पाई टू पाई साइन एक्स साइन एक्स का माइनस काज ऑफ एक्स इंटीग्रल फ्राम माइनस पाई टू पाई लिमिट था तो अपर लिमिट माइनस काज ऑफ पाई माइनस माइनस अपना ये काज वाला आ गया माइनस पाई लोअर लिमिट आ गई ये बन जाएगा माइनस काज ऑफ पाई माइनस माइनस प्लस काज ऑफ़ माइनस पाई इज इक्वल टू काज ऑफ पाई ये क्योंकि काद ई फंक्शन है माइनस काज़ ऑफ़ पाई प्लस हो जाएंगे आंसर इज जीरो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इफ माइनस लिमिट फ्रॉम माइनस टू टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव हो देन क्या करना है जी आपने फाइंड आउट करना है जी वन टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये क्या चीज़ होगी अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो लिमिट चेंज हुई है ये पहले माइनस टू लोअर लिमिट थी यहाँ पर अपर है वन जहाँ पर अपर, अपर लिमिट थी जहाँ पर लोअर है तो लिमिट जब भी चेंज होगी तो बाहर क्या चीज़ आ जाएगी माइनस आ जाएगा यहाँ पर पहले फाइव था तो क्या आ गया माइनस फाइव ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन फोर्टी फाइव इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स काज ऑफ़ एक्स प्लस इनटू मैंने लिख दिया माइनस साइन ऑफ एक्स डी एस अगर आप गौर से देखें डेस्टूडेंट जहाँ पर काज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस पड़ा है ना माइनस साइन ऑफ एक्स तो ये क्या हो जाएगा ई e की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि ई की पावर एक्स काज ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इफ अल्फ़ा इज कांस्टेंट देन इंटीग्रल ऑफ कॉट अल्फा डी वाई अल्फ़ा क्या है जी हमारे पास कांस्टेंट है तो कॉट अल्फा भी एक कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल किस पर अप्लाई होगा डी वाई पर तो ये वाई आ जाएगा इसका इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ अल्फा डी वाई कॉट अल्फा जो है ना हमारे पास बाहर आ जाएगा एज़ कॉन्टेंट काट अल्फा बाहर लिख दिया हमने इंटीग्रल ऑफ़ वन डी वाई वन का वाई आ जाएगा डी वाई है ना वाई काट अल्फ़ा प्लस सम कांस्टेंट वाई काट अल्फा प्लस सम कांस्टेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पर चलते हैं इंटीग्रल फ्राम ए टू एक्स थ्री टी स्क्वायर डी टी इंटेग्रेट करते हैं डियर स्टूडेंट इंटीग्रल फ्राम ए टू एक्स थ्री टी स्क्वायर डी टी है तो क्या चीज़ हो जाएगा थ्री एज टी स्केयर पर अप्लाई होगा टी का डेरिवेटिव वन पड़ा हुआ विद रिस्पेक्ट टू तो टी तो पावर फार्मूला टी की दो प्लस वन टी क्यूब ओवर थ्री थ्री के साथ थ्री कैंसल ये जा आ जाएगा टी क्यूब लिमिट फ्रॉम ए टू एक्स तो अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह पर एक्स पुट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस टी की जगह पर ए पुट करेंगे तो ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा सॉरी uh, कांस्टेंट नहीं लिखना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है जी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ऑप्शन बी इज क्रैक्ट प्लांट 47 के बाद हम चलते हैं जी 49 क्वेश्चन <coughs> पे 48 पे चलते हैं जी 47 के बाद इन क्वेश्चन नंबर 48 ही इज सेइंग दैट क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में वो कह रहे हैं कि आपने इंटेग्रल ऑफ टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स केयर का स्केयरू डी एक्स को सॉल्व करना है जी कैसे सॉल्व करेंगे जी इसको अगर आप गौर से देखें तो जहाँ पर जो है ना, ना कोई ना कोई पावर फार्मूले की तरफ ही हम जाएंगे जहाँ पर अगर आप देखें तो वन माइनस इसको मैं ऊपर लेकर चला जाऊँ तो वन माइनस एक्स केयर की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा इंटू टू एक्स अब यहाँ पर देखें ना पावर फार्मूला मैंने लगाना है तो वन माइनस एक्स केयर यानी कि जिस चीज़ का एफ ऑफ एक्स का पावर बनी हुई है एफ ऑफ एक्स का डेरीवेटिव

माइनस वन बाई टू प्लस वन यानी कि एक में से आधा चला गया हाफ बच जाएगा वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू आ गया वन बाई टू जा मल्टीप्लाई होगा टू बाय वन जा माइनस टू इंटू वन माइनस स्केयर का स्केयर रूट प्लस सम कांस्टेंट माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स स्केयर प्लस जो है ये हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा है फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर ही इज सेंगट कोसिक्स प्लस बी इंटू काट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोसिकेंट एक्स का डेरीवेटिव क्या होता है जी वो होता है जी माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरीवेटिव क्या है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स जैसे सी केंट एक्स का है सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स है कोसिकेंट एक्स का है जी माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू काट एक्स एक तो हमें माइनस चाहिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे अंदर भी और बाहर भी तो प्लस हो जाएगा आगे एक और चीज़ है कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा ए आएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो मल्टीप्लाई वाला तो फार्मूले में हो जाएगा डिवीजन वाला रह जाएगा जी आ जाएगा माइनस वन ओवर ए को सिकट ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा फोर्टी नाइन का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है दी सोल्यूशन ऑफ डिफ्रेंशियल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स इंटू काट एक्स इसको हमने इंटेग्रेट करना है जी वाई इज इक्वल टू ऑप्शन दिए हुए सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स काट एक्स डी एक्स हो जाएगा ये डी एक्स राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा डी वाई इज ईक्वल टू कोसिकेंट एक्स काट एक्स इंटू डी एक्स दोनों तरफ से इंटेग्रेट कर लेंगे इंटेग्रेट किया है तो डेस्ट वही बात जो अभी मैंने ऊपर भी बयान किया है कि माइनस होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है जी कोसी माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स तो क्या चीज लेके आनी है माइनस लेकर आना है तो इसलिए माइन के साथ बाहर भी मल्टीप्लाई अंदर भी मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर वाला एज इट इज़ इंटेग्रल ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स का एक्स क्या हो जाएगा कोसी केंट एक्स प्लस हम कॉन्स्टेंट हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कोसी माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट वन

डिफ्रेंशियल लिया डी एक्स ए टेन थीटा का सिक्वेंस के थीटा थीटा का डी थीटा आ गया सो इंटीग्रल क्या बन जाएगा डी एक्स की जगह पर आ जाएगा ए सीक्वेंस के थीटा डी थीटा ए स्केयर प्लस एक्स की जगह पर ए टेन थीटा जो ए स्केयर टेंस के थीटा आ जाएगा डेसो यहाँ से अगर आप ए सीक्वेंस के थीटा डी थीटा एज इट इज़ इन दोनों में से अगर आप देखें तो जदर के अंदर ए स्केयर कॉमन ए का स्केयर रूट ए आ जाएगा वन प्लस टेंस के थीटा अंदर बच जाएगा इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है इंटीग्रल ऑफ ए सीकेंस के थीटा डी थीटा एज इट इज़ इसको अगर आप देखें तो वन प्लस टेन स्केर थीटा सीकेंड के थीटा सीवेंट और स्केर रूट कैंसल तो सीकेंड थीटा ये अपनी जगह पर ए के साथ ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा सीकेंड के साथ एक सीकेंड भी चला जाएगा दे क्या बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा अब इंटेग्रल ऑफ सीकेंड थीटा हमने सॉल्व किया हुआ विच इज इक्वल टू एलन ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस हम कांस्टेंट अब हमारा क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में था अभी जवाब भी वेरिएबल एक्स में जाना पड़ेगा तो सीकेंड थीटा को हम सॉल्व करते हैं जी सी टेन थीटा का तो हमें पता है जी ये क्या आ जाएगा जहाँ थे टेन थीटा एक्स ओवर आ जाएगा सीकंड थीटा हमें देखना है वन प्लस टेन स्के थीटा इज इक्वल टू सीकंडीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन रूट वन प्लस टेन की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें एक्स स्केर ओवर ए स्केयर आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्सकेर ओवर ए आ जाएगा क्योंकि जगह बाहर चला गया है तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी एल एन ऑफ सीकंड थीटा सीकंड की जगह पर क्या तो आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्सकेयर ओवर ए प्लस टेन थीटा की जगह पर जहाँ से अगर आप फाइंड आउट करें तो एक्स ओवर ए आ जाएगा नेक्स्ट में डेस्टूडे आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी एल्शियम ले लेंगे ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स का स्केयर रूट आ जाएगा ओवर ए तो ओवर में एल एन ए है तो एलन की प्रॉपर्टी के जरिए माइनस एलन ऑफ ए हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट इसको अगर आप देखें तो एलन ऑफ ए कोई कांस्टेंट ही आएगा कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट एक और कांस्टेंट हो जाएगा ये आ जाएगा एलन ऑफ़ एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सम कांस्टेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट वन फिफ्टी वन का फिफ्टी वन शार्ट में भी आ सकता है जी फिफ्टी टू पर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर

फिफ्टी थ्री पर चलें जी इफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व एक्स स्केर माइनस ए सकेयर देन दबसिचुएशन ये सबसिचुएशन क्या होगी प्रॉपर एक्स इज इक्वल टू ए सी कैंड थीटा ही पुट करते हैं जब एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ रहा हो तो एक्स इज इक्वल टू ए सी कैंड थीटा ऑप्शन बी फिफ्टी फोर पर चलते हैं वन माइनस साइन ऑफ टू एक्स ओवर का माइनस साइन टू एक्स साइन टू एक्स को क्या पुट करते हैं टू साइन थीटा काज एक्स काज एक्स का हो जाएगा ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन एक्स ओवर काज एक्स अलग अलग कर लें ऑफ वन डी एक्स माइनस टू बार जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स आ जाएगा काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस बनाने के लिए मैंने क्या किया ये माइनस जो था इसको अंदर ले गया और ये प्लस बाहर आ जाएगा जो क्या हो जाएगा वन का इंटीग्रल एक्स काज का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बटे से जो ये टू एज इट इज़ एलन ऑफ काज ऑफ एक्स बन जाएगा या जा प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस पावर ये लॉग के रूल के तहत ये टू उसकी पावर बन जाएगी ये जा बन जाएगा cos स्केयर ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्सटेंट ये आ जाएगा एक्स प्लस एलेन ऑफ काज स्केयर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑप्शन सी बनेगा जी डेस्टूडेंट्स तो आज तक इतने तक हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है इन अगले लेक्चर में हाजिर होंगे डेस्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच